आज के दिन एक कंपनी का मार्केट में डेब्यू हुआ है, दूसरी कंपनी की बात करें अप्लाई करने की डेट खत्म हुई है। साथ ही में ये समझने की कोशिश करेंगे आरबीआई की मीटिंग से पहले मार्केट ने कैसे बिहेव किया। मार्केट समरी में आप यहां देख पाएंगे जितने भी मेजर इंडेक्स हैं, सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज तो ग्रीन में हुए, लेकिन जिस तरह से ओपन हुए थे और उसके बाद जो ट्रेड हुआ वो कंप्लीटली लाल निशान में हुआ। बिल्कुल डे लो के आसपास से या फिर ये करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास से ये सभी घूमे हैं या फिर इनमें एक बाउंस बैक हमको देखने को मिला है। उसके बाद जो क्लोजिंग मिली है आपसे ठीक ठाक से क्लोजिंग कह सकते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें मिड कैप में वैसी रिकवरी आई नहीं, अदरवाइज सभी में आपको थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी या फिर डेक्स की बात करें, ग्लोबल मार्केट अभी भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन अपने वहाँ ये जो गिरावट हमको देखने को मिल रही है अपने वहाँ ज़्यादा है। इसके बाद हम समझेंगे चार्ट पे क्या है कल के लिए हो सकता है, लेकिन पहले ये देख लेते हैं मार्केट की ब्रेथ कैसी थी। क्लियरली आपके सामने 1400 से ऊपर जो शेयर है आज के दिन डिक्लाइन में बंद हुए, तो इसे आप कहेंगे डेफिनेटली वीक क्लोजिंग। हमें वीक एडिया आज का दिन था, मार्केट की ब्रेथ खराब थी, बाकी चीज़ क्लियर तो यहाँ पर हो जाएंगी। सिवाय अगर हम बात करें, अगर देखा जाए तो ग्रीन में अभी तो आ चुका है, लेकिन शुरुआत में फर्स्ट हाफ में जब मार्केट में करेक्शन चल रहा था उस वक्त जितने मेजर या फिर ज़्यादातर सेक्टर है वो लाल निशान में ही बंद हो रहे थे उस वक्त या फिर ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद कुछ रिकवरी आते हुए देखने को मिली, लेकिन आईटी में वैसे रिकवरी अभी भी नहीं है। तो ये रहे आज के दिन, आप समझ सकते हो मिक्स है सेक्टर वाइज भी एक्शन। फोकस करें ऐसे मार्केट में कौन रहे गेनर, टाटा स्टील बेहतरीन रिजल्ट पोस्ट करने के बाद। कल के दिन क्या हुआ था कि मार्केट में ज़्यादा प्रेशर था, आज भी प्रेशर था, लेकिन ज़रा से जैसे ही मार्केट में एक बाउंस बैक आया, ढील दी मार्केट में, टॉप गेनर की लिस्ट में आ चुका है, क्योंकि इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें बड़े ही शानदार थे, तो उसके ऊपर अभी तक भी एक्शन आया नहीं है। और ये बड़े ही दिनों से अगर हम बात करें 1200 अपने आप में इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसको ब्रेक करके अब उसके ऊपर फाइनली क्लोजिंग दे दी है, तो ऐसे में हमें 1250 और 1300 के भी लेवल बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। डिविजन अप की बात करें, इसके आने हैं नंबर, यानी कि नंबर एक बार पोस्टपोन हो चुके हैं, इसके अब आएंगे इस फ्राइडे को नंबर। उससे पहले शेयर थोड़ा सा टॉप गेनर में आज भी है, दो या तीन दिन पहले भी था, मतलब कुल मिला के इसमें बाइंग हो रही है अभी भी। ऐसे में देखने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, रिजल्ट कैसे रहता है, लेकिन बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व इन्होंने संभाल ली थी बाकी की लगाम जब मार्केट में थोड़ा सा बाउंस बैक आया। लूज़र ONGC, पावर ग्रिड, IOC, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ये रहे आज के टॉप लूज़र। इंडिया विक्स की अगर हम बात करें, आज के दिन थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, जितना बड़ा था कल उससे काफ़ी कम कूल ऑफ हुआ है, मतलब उतना नहीं हुआ है। उसके बाद भी 19.68 के आसपास है, अभी भी काफ़ी वोलेटाइल की स्थिति में बना हुआ है, सिचुएशन में बना हुआ है। तो ऐसे में कल की अगर हम बात करें, कल होगी मॉनेटरी पॉलिसी, ऑल दो कई सारी चीज़ें हम पहले से जानते हैं कि RBI की जो ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो कल मीटिंग है उसके ऊपर जो कमेंट्री निकलेगी उसका इम्पैक्ट तो मार्केट थोड़ा सा डिस्काउंट कर चुका है, फैक्टर इन कर चुका है। लेट्स सी उसके बाद कैसे रिएक्शन देता है। कल एक इवेंट है और परसों की हम बात करें एक्सपायरी तो है ही, तो मार्केट में अभी थोड़े से वॉलेटाइल मूव्स और देखे जा सकते हैं, जैसे कि आज के दिन हमको देखने को मिला। इसके बाद बात करें IPO अपडेट की, आप यहाँ देख पाएंगे वो अडानी विलमार, इस कंपनी के आज के दिन डेब्यू हुआ है। और डेब्यू के बाद ऑल्दो हमने इसमें अप्लाई बिल्कुल नहीं किया था, ना ही आपको करने का बोला था, उसके बाद इसमें जो डेब्यू के बाद जो अपमूव आया है वो 16+ पॉजिटिव में हुआ है। तो ये है इसकी क्लोजिंग एज ऑफ नाउ। स्ट्रेटेजी वही रहनी चाहिए कि अगर आपने अभी तक होल्ड कर रहे हैं अपनी बाइंग प्राइस के आसपास या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास, ऑल दो बहुत ज़्यादा चार्ट अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आपको ट्रेल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें मान्यूवर के, 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 3 दिन के बाद जो डेटा बन के आया है वो है 2.57% टोटल, ये टाइम इतना टाइम में सब्सक्राइब हुआ है, जिसे आप काफ़ी पुअर कहेंगे। क्या हमने इसमें अप्लाई किया, बिल्कुल नहीं, आपको कई दिनों से बताने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही में अगर हम बात करें इसमें जो प्रॉबिबिलिटी है अलॉटमेंट की वो 100% बनी हुई है, तो जो भी जिन्होंने भी किया है आपको मिलने की चांसेस काफ़ी हाई है। नाउ लेट्स फोकस स्टॉक्स फॉर टुमारो की अगर बात करें, HUL जिन लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, बड़े ही शानदार लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, इन लेवल के आसपास इसे एड ऑन किया जा सकता है, एवरेज किया जा सकता है या फिर फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। ऐसे में HUL आपके फोकस पर रह सकता है अगर यहाँ से आप कोई 4-6% के अपसाइड देखना चाह रहे हैं या फिर इतना परसेंट के गेन लेना चाहते हैं तो। इसके बाद बात करें चार्ट एनालिसिस की, ये है निफ्टी का 1 डे का चार्ट आपके सामने, और जो फाइनल जो गिरावट के बाद आज की जो कैंडल बनी है इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास जाके 17050, यही हमारे लिए इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए भी। अगर ये ब्रेक होता है तो वापस से आप ध्यान के 16900 का लेवल
वो हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन जब तक 17,000 के ऊपर टिके हुए तब तक टिके हुए हैं। ऐसे में 17,050 से ही बाउंस बैक हुआ है और उसके बाद जो क्लोजिंग मिली हमें थोड़ा सा ठीक ठाक से क्लोजिंग मिली है ये कह सकते हैं, लेकिन अभी भी अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही है। मार्केट की क्या बात कर रहा है, एज ऑफ नाउ एक दिन बढ़ता है और दो दिन गिरता है, कुछ वैसा ही चल रहा है। देखा जाए तो अक्टूबर से कुछ वैसा ही चल रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें, ये रहा इसका 15 मिनट का एक्शन, ओपन हुआ और एक धार में बिल्कुल नीचे गिरते गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद एक रिकवरी देन उसके बाद और उसके बाद ये कुछ इस तरह से इसमें पैटर्न बनते हुए हमें नजर आया है आज के दिन। तो कल देखते हैं, कल ऑलरेडी इवेंट है, थोड़ा संभलने की जरूरत है, देखते हैं उसके बाद इवेंट के बाद ये कैसे रिएक्ट करता है। अदरवाइज आप जान चुके हैं 17,000 पहला हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, उसके बाद 16,900 ये है नीचे का सपोर्ट, और ऊपर की बात करें 300 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, आज भी 300 से घूमा है तो 300 के ऊपर जाने के बाद और भी तेजी हमको देखने को मिल सकती है, जो सस्टेन हो सकती है 500 से लेकर 475 के आसपास तक। लेट्स सी कैसे काम करते हैं कल के दिन। बात करें बैंक निफ्टी, जैसे कैंडल बनी है निफ्टी में वैसे कुछ बैंक निफ्टी में बनी है, 50 डे ईएमए के आसपास तक गया था और वहां से एक पिन बार टाइप का, जिसे आप कह सकते हो हैमर कह सकते हो, वैसी कुछ कैंडल बनी, मतलब नीचे आए थे बिल्कुल और उसके बाद एक रिकवरी आई है। बैंक निफ्टी की भी बात करें, ओपन हुआ सीधा हमको बिल्कुल नीचे इसमें करेक्शन देखने को मिला, वहाँ से एक रिकवरी आई और बाद में धीरे धीरे करके ऊपर आना शुरू हुआ है। तो ऐसे में अगर बात करें 38,100 का लेवल जैसे ही पार करेगा तो हमें और भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो ये रैली सस्टेन हो सकते हैं 38,500 तक। लेट्स सी कल के दिन कैसे काम करता है आफ्टर इवेंट। अदरवाइज डाउनसाइड की बात करें, आज का जो लो है 37,300 के आसपास तक वो हमारे सपोर्ट का काम करेगा, अदरवाइज 37,000 भी हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो कई सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं, प्लस देख लेते हैं कल के दिन किस तरह से कमेंट्री के बाद रिएक्शन मिलता है, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। स्टॉक की बात करें, एचयूएल के ऊपर हमारा फोकस रहना चाहिए, अच्छे लेवल के आसपास मिल रहा है, कोई इंट्राडे बेसिस पर हम बात नहीं कर रहे, स्विंग ट्रेड के हिसाब से यहाँ से बात कर रहे। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।